हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जी हाँ, वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं और दोनों की सियासतें आपस में गर्माती रहती हैं, लेकिन जनता के बीच कभी कभी कुछ ऐसी सौहार्द की बातें सामने आती है जो हमें अचंभे में डाल देती है। ऐसी ही एक पहल पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में स्थित माँ हिंगलाज शक्तिपीठ से लाई गई अखंड ज्योति के मामले में देखने को मिली। इस अखंड ज्योति का समावेश बाड़मेर के नरगासर स्थित माँ हिंगलाज के नवनिर्मित मंदिर की ज्योति में किया गया और इसी के साथ प्रतिमा विराजमान तथा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी आयोजित हुआ। हिंगलाज मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी कन्हैयालाल डलोरा, भारत में बलूचिस्तान स्थित माँ हिंगलाज के दर्शनों की प्रबल इच्छा रहती है, ऐसे में खत्री समाज द्वारा यह तय किया गया कि माँ हिंगलाज के ज्योति स्वरूप को सुरक्षित लाकर यहाँ बाड़मेर के मंदिर में स्थापित किया जाए। हिंगलाज माता मंदिर को हिंगलाज देवी, हिंगुला देवी और नानी मंदिर के नामों से भी जाना जाता है। यह बलूचिस्तान के हिंगोल नदी के तट पर लियारी तहसील के तटीय क्षेत्र हिंगलाज में स्थित है, जो एक प्राचीन मंदिर है। इसे देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठ में भी स्थान दिया गया है। पिछले 3 दशकों में इस स्थान की लोकप्रियता बेहद बढ़ी है। वर्ष 2002 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अपनी कुल देवी हिंगलाज माता के दर्शन करने एक जत्थे के साथ पाकिस्तान भी गए। कुल मिलाकर माँ हिंगलाज के लाखों भक्त भारत के राजस्थान, बंगाल, उत्तराखंड, यूपी समेत अनेक इलाकों से यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा माता के प्रति व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर इन दिनों जो पहल की गई है उसकी बेहद प्रशंसा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए भारत से चलने वाली थार एक्सप्रेस जो कराची तक जाती है उसे कराची से आगे जाने के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि माँ हिंगलाज के दर्शन भारत से जाने वाले श्रद्धालु बेहद आसानी से कर सके। कुल मिलाकर हिंगलाज माता मंदिर में अखंड ज्योति जो बाड़मेर से नरसागर मंदिर में लाई गई है वह श्रद्धालुओं की दर्शन का केंद्र बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।